और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, दो घंटे के दो दमदार ट्रेडिंग कॉल्स का। गौरव, आपकी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आज के लिए। देखिए, एबॉट इंडिया अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ब्रेकआउट देखने मिला है। सभी टाइम फ्रेम्स में अगर आप देखेंगे तो मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 18800 के करीब तो आप बाय कर सकते हैं। 19500 के लक्ष्य होंगे, 18550 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और बजट प्रिंट थोड़ा वीक लग रहा है। ओवरऑल सेटअप अगर आप देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्मर रहा है। आपको एशियन पेंट्स का देखने अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था, अपसाइड आ चुकी थी, लेकिन ये फिर भी अछूता रहा है। और यहाँ पे वो भी बिल्डअप होता है, शॉर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो 605 के लिए प्ले कर सकते हैं। 625 इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये दो कॉल्स गौरव की तरफ से, एबॉट इंडिया में खरीदारी करके चलिए लेकिन गिरावट में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 19500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा बर्जर पेंट्स में बिकवाली करने की राय 605 के लक्ष्य के लिए। चलिए अब एक्सपर्ट की भी राय ले लेते हैं और उनको शामिल करते हैं हमारे साथ। इंक्रेड इक्विटीज के गौरव बिसा इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? आज एक्सपायरी भी है और उसके पहले हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कुछ ठीक नहीं आए जब शुरुआत हुई यूरोप बाजार की, तो इसको इन सबको देखते हुए आज की क्लोजिंग आप कहाँ देख रहे हैं और एक्सपायरी किन स्तरों पर देखेंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों। और एग्जिट चैनल हर्डल से ही आवर्ली चार्ट से 30 मिनट चार्ट में आपको देखेंगे तो रिवर्सल देखने मिला है। तो स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा कहा जाए वैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो 37500 ये फ्यूचर्स में एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है बैंक निफ्टी के लिए। 37500 के कोड में भी एक ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो अगर ये सस्टेन हो गया इसके ऊपर तो एक उछाल आपको 37,700, 37,800 ये आपको एक बार देखने मिल सकती है। और सिमिलरली अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 16,750, 760 का एक इमीडिएट हर्डल है, सपोर्ट है फ्यूचर्स में। वो अगर होल्ड हो गया तो एक टेम्पररी उछाल सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिल सकती है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ आज के लिए, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी। बिल्कुल, तो टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अभी बिकवाली का ही नज़र आ रहा है। सेल ऑन राइस का मार्केट इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्सपायरी हम आज मांग के चल रहे थे कि 17,000 से 17,100 के बीच देखने को मिल सकती है, लेकिन